हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केवी इंस्टीट्यूट मुड़ावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए क्वेश्चंस में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कम्प्लीट करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है कि UX बराबर कोई बहुपद दिया है x माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे करके, तथा Vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे हो तो संबंध LCM गुना HCF, ये आपने पढ़ा है कि LCM दो संख्याओं का LCM और दो संख्याओं का HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी जांच करनी है, ठीक है, इस संबंध की जांच करो। हमें जांच करके बताना है कि इनका LCM और HCF का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने पर UX का गुणनखंड क्या आएगा, देखो x-1 × x-1, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ था तो हम इसको लिख सकते हैं ना, दो बार गुणा करके, वर्ग है तो दो बार लिख लेंगे। Vx बराबर है x स्क्वायर माइनस 1, बराबर क्या होगा, इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के x-1 × x+1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इनका HCF निकालो। अतः HCF सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो कौन सा है, x-1 इसमें भी है इसमें भी है, तो यही है बस एक इसका HCF। LCM देखो, x-1 यहाँ से देख लो, x-1 की अधिकतम घात कितनी है, दो बार, तो x-1 की घात 2 लिखेंगे यहाँ पे मेरा, और फिर इधर आ जाएगा x+1 इसका गुणनफल, ठीक है, ये आ गया। ओके, हो गया। अब हम चेक करते हैं LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF बराबर ज्ञात किया तो LCM बराबर आया x-1 का स्क्वायर इंटू x+1, इसको गुणा करेंगे x-1 से, ठीक है बच्चों। तो भाई x-1 की 2 पावर ये, 1 पावर ये, 3 पावर हो जाएगी और x+1 आ गया, ठीक है, हम जांच कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे UX का और VX का। UX x-1 का स्क्वायर, Vx x²-1, है ना, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x-1 का स्क्वायर और ये a+b a-b है, तो इसको x²-1 की फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, जो कि ये सीधा सीधा यही आ रहा है, x-1 का होल स्क्वायर और x²-1। अतः हम लिख सकते हैं LCM और HCF का गुणनफल ये, और ऐसे इधर UX और VX का गुणनफल बराबर आया, बराबर आता है, समझ गए। दोनों बहुपदों का गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद इनका LCM HCF निकाला, LCM HCF को गुणा करके देखा ये मान आया, फिर बहुपदों को गुणा करके देखा सेम वही मान आया, मतलब दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दो व्यंजकों का गुणनफल दिया है आपको, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर दे रखा है x-7 × x²+8x+7 ऐसे कुछ है, x²+8x+12 ये है, ये क्वेश्चन का दो व्यंजकों का गुणनफल है ये। अच्छा, इन व्यंजकों का मैसेप है x+6 है, HCF दे रखा है x+6, ओके, तो इनका लैसे ज्ञात करो। तो LCM ज्ञात करना है,
ठीक है। तो भाई देखो सीधा सा फॉर्मूला है, दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। ठीक, हमें क्या निकालना है, LCM। तो LCM का फॉर्मूला, दो व्यंजकों का गुणा भाग में HCF, ठीक है। तो LCM बराबर दो व्यंजकों को गुणा, देखो x माइनस सात इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस बारह डिवाइड बाई HCF। HCF कितना है, x प्लस छः, हो गया इतना, हो गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में बदल लो आप, ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में बदल लेते हैं और गुणनखंड से फिर ये कट जाएगा बराबर। चलो यहाँ देख लीजिए, x माइनस सात, ये द्विघात समीकरण है, गुणा करने पे संख्या आनी चाहिए 12, जोड़ने पे आना चाहिए 8, तो 6 दूनी 12 होता है, इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस दो एक्स प्लस बारह डिवाइड बाई एक्स प्लस छः। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, LCM बराबर x माइनस सात, इसका कॉमन आएगा x, x कॉमन आएगा, x प्लस छः बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का दो, x प्लस छः बचेगा बटे x प्लस छः। LCM बराबर x माइनस सात, x प्लस छः कॉमन, x प्लस दो बच गया बटे x प्लस छः, ये कैंसिल हो गया। तो LCM बराबर आया x माइनस सात इंटू एक्स प्लस दो, ठीक है बच्चों, ये LCM इसका आंसर हो गया है ऐसे। तो इसका LCM क्या आ गया, x माइनस सात गुना एक्स प्लस दो, एक्स माइनस सात गुना एक्स प्लस दो। चाहो तो आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल सकते हो, ठीक है ना, और नहीं तो इतना ही रहने दो। द्विघात समीकरण के रूप में बदलना हो तो इनको गुणा कर लीजिए आपस में ऐसे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 2 से, तो x स्क्वायर माइनस पाँच एक्स माइनस 14, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे आंसर लिख सकते हो। चलिए एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF व LCM क्रम से इतना इतना है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो, है ना, दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो, ठीक है भाई। HCF दिया है और LCM दिया गया है आपको, वैल्यू लिखिए इनकी। HCF है x माइनस पाँच, LCM है x क्यूब माइनस उन्नीस एक्स माइनस तीस, ठीक है भाई। अच्छा, अब बोला कि दोनों व्यंजकों को ज्ञात करो, ये मान लिया कोई व्यंजक थे यू एक्स और वी एक्स, उनका HCF और LCM आपको दे दिया, तो सीधे सीधे दोनों व्यंजक ही पूछे इसने, दोनों व्यंजक निकालने हैं। अच्छा, तो दोनों व्यंजक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो LCM आपको दिया गया है ना, ये वाला x क्यूब माइनस उन्नीस एक्स माइनस तीस, इसके पहले गुणनखंड करेंगे, x क्यूब माइनस उन्नीस एक्स माइनस तीस के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके फिर आगे की कार्रवाई बैठाई जाएगी। भाई दो संख्याओं का गुणनफल सीधा सीधा क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, व्यंजकों का गुणनफल LCM गुणा HCF ही तो आएगा भाई, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है,
उन व्यंजकों का, तो सीधी सी प्रमेय है ना, व्यंजकों का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक है, तो सीधा लिख देंगे इसको। लेकिन फिर उसको गुणनखंड के रूप में और करना है, उसको गुणनखंडों के रूप में बदलना है और फिर उसके बाद दोनों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल सी एम का गुणनखंड, एल सी एम का गुणनखंड, इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करो एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, इसमें ऐसी संख्या रखिए कि जिसको मान, जिसके मान पर पूरी समीकरण का मान जीरो हो जाए तो वो इसका शून्य कहलाएगा और शून्य से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे रख के देखो, मैं इसमें जैसे कि x का मान 1 रख के देखता हूँ, x बराबर 1 रखने पर तो भाई ये हो गया एक का क्यूब 1 माइनस 19 माइनस 30, तो नॉट इक्वल टू जीरो, रहने दो। x का मान 2 रखने पर बराबर जीरो आएगा ना, वो गुणनखंड देखा जाएगा, 2 रखा, 2 का क्यूब 8 उन्हें दोनों 38 माइनस 30 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि प्लस की संख्या रखने पर माइनस की संख्या बड़ी आ रही है, तो माइनस की संख्या रख के देखो, x बराबर माइनस 2 रखने पर माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस का माइनस माइनस 19 दूनी 38 प्लस का माइनस का 30 बराबर हो गया माइनस का 38 माइनस का 38 और प्लस का 38 बराबर जीरो, यानी कि x बराबर माइनस 2 रखने पर ये पूरी समीकरण जीरो के बराबर हो रही है। तो हम लिखेंगे आते हैं x प्लस 2, x बराबर माइनस 2 इसका शून्यक है, यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, आते हैं x बराबर माइनस 2 एल सी एम का, x बराबर माइनस 2 बहुपद का लिख लो, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, इसलिए x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है, तो x प्लस 2 का इसमें भाग देंगे तो एक और गुणनखंड पता चल जाएगा, हमें एक और गुणनखंड पता चल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 में x माइनस 2, x प्लस 2 का भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक है, x प्लस 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आया x स्क्वायर, भाग विधि याद है आपको, विभाजन एल्गोरिथम, x का भाग x क्यूब में, x स्क्वायर बचा, गुणा करो इसको, इसको इससे गुणा करो, अच्छा माइनस कर दीजिए, ये कट गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर पहले, माइनस का 19x माइनस का 30, फिर क्या आएगा, माइनस का 2x बचेगा इधर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x, सॉरी माइनस का 4x, ठीक है चिन्ह बदल दो, ये कट गया, माइनस का 15x बचा, माइनस 30, फिर माइनस 15 बार भाग जाएगा तो माइनस का 15x माइनस का 30, ये कट गया, तो इसका दूसरा गुणनखंड क्या आया, अतः हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 बराबर होगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के, ठीक है भाई, ये इसका गुणनखंड किया मैंने LCM का, पहले मैंने इसका शून्य ज्ञात किया, शून्य ज्ञात करने पे पता चला कि x बराबर माइनस 2 पे इसका मान जीरो हो रहा है, तो इससे गुणनखंड पता चल गया x प्लस 2, x प्लस 2 का इसमें भाग दिया तो दूसरा गुणनखंड इस रूप में आ गया, ये देखो दूसरा गुणनखंड इसका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो कि एक द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, इस द्विघात समीकरण के भी टुकड़े कर लीजिए, यहाँ तक इसको नोट करो, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 इसके गुणनखंड आए x प्लस 2 इंटू, इसका टुकड़ा करिए, 15 गुणा करने में आना चाहिए तो 5 दिया 15 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो बराबर हो गया x प्लस 2, यहाँ पे देखो x कॉमन, x माइनस 5
प्लस 3 कॉमन, एक्स माइनस 5 बराबर एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5 एक बार और एक्स प्लस 3 एक, तो ये इसके गुणनखंड आ गए, एलसीएम के गुणनखंड आ गए, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ तो ज्ञात होगी कि जब एलसीएम और एचसीएफ लिखा जाता है किन्हीं दो पदों के, जब किन्हीं दो पदों के एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं ना, तो एचसीएफ एलसीएम में शामिल होता है, एचसीएफ वैसा का वैसा एलसीएम में रहेगा। यानी कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें ना, तो वो एचसीएफ होगा। समझ में नहीं आई बात? अगर आपको दो व्यंजकों का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, उन दोनों में जो उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाला पद होता है वही तो निकालोगे, ठीक है। आपने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो उनमें अधिकतम घात वाले पद सारे लिखे जाएंगे, चाहे वो उभयनिष्ठ हो चाहे ना हो। तो एलसीएम का, एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी तो शामिल हो गया, हो गया ना, ठीक है। अब हम लिखेंगे, चूंकि एलसीएम व एचसीएफ का उभयनिष्ठ, एचसीएम का उभयनिष्ठ एचसीएफ ही होता है, एचसीएफ ही होता है, होता है भाई। एलसीएम व एचसीएफ का अगर उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या निकालें तो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 एलसीएम में भी शामिल है, ठीक है ना। और एक्स माइनस 5 दूसरे व्यंजक में भी शामिल होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 5 दोनों व्यंजकों में रहेगा भाई, एलसीएम एचसीएफ तो कौन उभयनिष्ठ होता है ना। तो अतः हम लिखेंगे, अतः पहला व्यंजक एक्स माइनस 5 तो आएगा ही आएगा, इधर मैं दूसरा व्यंजक भी लिखता हूँ, दूसरा व्यंजक उसमें भी एक्स माइनस 5 तो आएगा ही आएगा, तभी तो एचसीएफ निकला। तो ये आपका एलसीएम आया था और एचसीएफ हमने ये दिया गया है एक्स माइनस 5। अब इन दोनों में से एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये भी लिख दिया, ठीक है। बाकी का कौन सा पद बचेगा, बाकी के कौन से पद बचेंगे वो हमें देखने हैं, वो हमें देखने हैं भाई। x प्लस 2 है इसको इसके साथ लिख दो चाहे, और x प्लस 3 है इसको इसके साथ लिख दो, ठीक है। अब आपको ये दो व्यंजक देखो, ये दो गुणनखंड बच गए ना, ये दोनों गुणनखंड भी इन व्यंजकों में होने चाहिए, चाहे तो एक साथ कर दो चाहे अलग अलग कर दो, वही एक ही बात है। एक गुणनखंड मैंने इसके साथ लिख दिया, एक मैंने इसके साथ लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ तो यही आएगा एक्स माइनस 5, और एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, ये एलसीएम रहा, ठीक है। इसको सरल कर लो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक व्यंजक तो ये आ गया, इनको गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। दूसरा व्यंजक ये आ गया, यही आपके आंसर है, यही इस क्वेश्चन के आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एलसीएम और एचसीएफ ही दिया गया था, बस एलसीएम और एचसीएफ ही दिया गया था। आप समझो कि आपको ये दिया गया, ये तो सारा हमने ज्ञात किया ना, ये तो सिंपल प्रोसीजर है, कैसे कैसे करके आपने इसके गुणनखंड कर लिए। आप समझो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, आप ये समझो कि ये कुछ नहीं है और आपको क्वेश्चन अब ऐसे दिया गया है कि भाई दो व्यंजकों का एचसीएफ तो एक्स माइनस 5 है और एलसीएम ये है, व्यंजक ज्ञात करो, व्यंजक ज्ञात करो। तो भाई एचसीएफ जो ये निकला ना, इसका मतलब ये एचसीएफ इसमें भी शामिल है वो तो, और ये दोनों व्यंजकों में भी होना चाहिए क्योंकि सर्वनिष्ठ होता है उभयनिष्ठ होता है। तो पहले व्यंजक में भी एक्स माइनस 5 मिलना चाहिए और दूसरे में भी एक्स माइनस 5 मिलना चाहिए। अब एलसीएम में क्या बच गया, एक्स प्लस 2 बच गया और एक्स प्लस 3 बच गया। ये दोनों गुणनखंड या तो इसमें हो जाएं या दोनों इसमें हो जाएं, कहीं पर भी रख दो, या दोनों को अलग अलग कर दो, एक को इसके साथ एक को इसके साथ, इसके किसी भी तरह से कई आंसर आ सकते हैं। मैंने इसको अलग अलग करके द्विघात समीकरण के रूप में यह बना के आपको आंसर दे दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला व्यंजक तो बस यही हो जाता एक्स माइनस 5, और दूसरा व्यंजक ना आप ये लिख देते पूरा का पूरा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये दूसरे व्यंजक बन सकता था, इन दोनों का एचसीएफ क्या आता, एक्स माइनस 5 ही आता,
और एलसीएम ये पूरा मान आता है, आता कि नहीं आता। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, काफ़ी क्या, एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई आपकी। चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में, एक्सरसाइज नंबर 4 की। तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।